अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आयशा किचन में आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाएंगे मटर कीमा। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, जल्दी तैयार होने वाला है, सो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप मटर, 3 पाव कीमा लिया है, 4 टमाटर लिए हैं और 1 टेबलस्पून सूखी मिर्च, सूखी मिर्च लिए है और 1 टेबलस्पून हमने सूखी मेथी लिया है, 1/2 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा लिया है, 1 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट और 1/2 टेबल स्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च लेनी है। और यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल में 2 बड़े प्याज काट के और बीच में थोड़ा सा नमक डाल के उनको पहले से सॉफ्ट कर लिया है। तो अब हम इसको चूल्हे के ऊपर रखेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। डालेंगे कीमा, साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे सारे मसाले, साथ ही टमाटर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमें इसको तब तक पकाना है जब तक इसको भी पानी या सूखा नहीं हो जाता। इसके बाद हम लोग कीमे को भूनेंगे और दैन इसके अंदर हम फिर मटर ऐड करेंगे। कीमा जो है हमारा भून चुका है, अब हम इसके अंदर डालेंगे मटर, साथ में डालेंगे 1/2 ग्लास पानी। सो मटर कीमा हमारा तैयार है और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा गर्म मसाला। सो आप सब इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं होंगी अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हाफिज़।